दोस्तों, इस कलयुग की दुनिया में नोटों की अहमियत क्या है आप सभी जानते हैं, लेकिन इसकी सही जानकारी ना होने के कारण लेन देन करते समय अक्सर नुकसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नोटों का हिसाब करने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन दिया गया है, 14,000 रुपए में 20 के कितने नोट होंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कितने नोट होंगे, यानी कि नोटों की संख्या पता करना हो, तो इसके लिए आप कुल धन राशि बटा नोट का मूल्य कर लीजिए। यहाँ पर कुल धन राशि कितनी दी गई है, 14,000 रुपए। तो यहाँ पर आप जो है 14,000 लिख लीजिए और बटा में जो है नोट का मूल्य कितना है, 20 रुपए का है, तो यहाँ पर आप जो है 20 लिख लीजिए। अब क्या करिए दोस्तों, इसको काट लीजिए। तो देखिए, 1 0 1 0 से कट गया। अब यहाँ पर 1400/2 बचा है। अब आप क्या करिए, 1400 में 2 से भाग कर दीजिए। तो आइए कर लेते हैं, 2 7 में 14 और 2 0 यहाँ रख लीजिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 700। यानी कि 14,000 रुपए में 20 के कितने नोट होंगे, तो 700 नोट होंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 800 रुपए के 10 नोट हो तो कुल कितने रुपए होंगे। यहाँ पर रुपए पता करना है और नोट कितने हैं, 800 रुपए के 10 नोट हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 800 × 10 कर लेंगे। तो 800 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 8,000 रुपए लिख लीजिए। यानी कि 800 रुपए के 10 नोट हो तो कुल कितने रुपए हो जाएगा, 8,000 रुपए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने नोटों का हिसाब करना बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।